Hello students, I'm Dr. Vinod Kamle, and now we are going to start with the first function of management, that is planning. So, पहले हम लोग देखते हैं planning क्या होता है. So here we have definition of planning. Planning is deciding in advance what to do, how to do, when to do, and who is to do it. मतलब planning जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एडवांस में कुछ डिसीजन लेते हैं या वी डिसाइड समथिंग इन एडवांस. मतलब हम लोग को चीजों को एडवांस में डिसाइड करना पड़ता है. अभी क्या हम लोग एडवांस में डिसाइड करते हैं कि क्या काम करना है, कैसे वो काम को करना है, या कब वो काम को करना है, या वो काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा. इन सब चीजों को हम लोग एडवांस में डिसाइड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग. फर्दर प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वॉन्ट टू गो. इसका मतलब प्लानिंग जो होता है ये दो चीजों का जो गैप है कि वेयर वी आर हम लोग कहाँ पे है और हमको कहाँ पे जाना है, इन दो चीजों का जो गैप है इसको ब्रिज करने का या इसको जोड़ने का जो काम होता है वो प्लानिंग करता है. तो हम कहाँ पे है और हमको कहाँ पे जाना है, ये दो चीजों का गैप फिल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग. इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर थिंग्स टू अकर विच वुड नॉट अदरवाइज हैपन. मतलब प्लानिंग जो होता है जिसकी वजह से जो चीजें नहीं हो सकती है वो भी होना पॉसिबल हो जाता है. तो ये सबको हम लोग प्लानिंग बोलते हैं. सो यहाँ पे मैंने बेसिकली आप लोगों को तीन चीजें बताई. प्लानिंग इज नथिंग बट वी डिसाइड इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, एंड हु इज टू डू इट. ये एक चीज हो गई. दूसरी, प्लानिंग दो चीजों के बीच का जो गैप है, जैसे कि हम लोग कहाँ पे है, वेयर वी आर, एंड वेयर वी वॉन्ट टू गो, कहाँ पे हमको जाना है, इन दोनों को गैप को ब्रिज करने का या इन दोनों के गैप को ज्वाइन करने का जो काम होता है वो प्लानिंग करता है. और प्लानिंग के वजह से जो चीजें अदरवाइज नहीं हो सकती है वो पॉसिबल हो सकती है. तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग. और ये डेफिनेशन दिया है कुंस और ओडोनेल ने. नाउ वी विल सी द मीनिंग. इट इज सेम एज व्हाट इज रिटन इन द डेफिनेशन. प्लानिंग रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. ये हम लोग ने पहले ही देखा कि हमको क्या काम करना है और कैसे काम को करना है, इसको हम एडवांस में डिसाइड करते हैं, उसको बोलते हैं प्लानिंग. इट इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग एन अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दोस ऑब्जेक्टिव. ये दो चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्लानिंग में हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं. नाउ ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, वी ऑल नो. जैसे यू वॉन्ट टू अर्न प्रॉफिट, you want to satisfy customer, you want to expand the business, you want to enhance our corporate image. ये सारे मेरे objectives हैं. So इसमें से हम लोग क्या करते हैं, अपने जो भी objectives हैं उसको हम लोग set करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग अपना course of action design करते हैं. Now course of action का मतलब क्या होता है, अगेन जो हम लोग ने ऊपर पढ़ा, what to do, how to do, when to do, मतलब हम लोग कैसे क्रिया को करेंगे वो objectives को achieve करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं course of action. जैसे मुझे 95% मार्क्स स्कोर करने हैं, कैसे ना, ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया. अभी 95% मार्क्स स्कोर करने के लिए मैं क्या करूंगा, नोट्स बनाऊंगा या मैं लेक्चर्स अटेंड करूंगा, फिर बाद में मैं टीचर से गाइडेंस लूंगा कि पेपर्स कैसे लिखने हैं, मैं पास्ट के पेपर्स सॉल्व करूंगा. तो ये मेरा कोर्स ऑफ एक्शन हो गया. तो कोर्स ऑफ एक्शन मतलब जो आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं उनको अचीव करने के लिए आप क्या करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग. Now we'll start the importance of planning. Now first importance of planning is to help to set the clear objective. जो मैंने already तुम लोगों को meaning में बताया कि planning का सबसे important पहला important जो होता है वो ये होता है कि planning के वजह से तुम लोग अपनी clear objective set कर सकते हो. जो objectives मैंने तुम लोगों को बताया वो देखो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं. So planning enables to set the clear objectives of the organization. और objectives क्या होते हैं? To earn the profit, to expand the business, to create corporate image, to satisfy customer needs. ये हमारे objectives हैं. इनको हम लोग clearly set कर पाते हैं. और जब तुम लोग अपने objective को clearly set करते हो, तो उससे तुमको अपना course of action पता चलता है. So meaning को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, तो definitely आपका सारे जो importance हैं, वो आप अच्छे से लिख पाओगे. So क्या लिखा है पहले यहाँ पे हम लोग ने कि planning की वजह से हम लोग अपने clear objective set कर पाते हैं. फिर हमने लिखा कि हमारे objectives to earn profit हो सकता है, to expand business हो सकता है, to create corporate image हो सकता है, to satisfy customer हो सकता है. और clear objective एक बार हमारे set हो गए तो हमको अपना course of action पता चलता है, ताकि हम लोग अपने objective को achieve कर पाए. Second point भी देखो क्या है. Second point is provide course of action. Course of action मैंने तुम लोग को already बताया है कि course of action में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग decide करते हैं कि कोई भी काम को कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा,
इसमें या क्या काम करना है, ये सब जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग की वजह से हम लोग को अपने क्लियर ऑब्जेक्टिव हम लोग सेट करते हैं और क्लियर ऑब्जेक्टिव की वजह से हमें अपना कोर्स ऑफ एक्शन पता चलता है। कोर्स ऑफ एक्शन इंक्लूड्स व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू इट। तो सेम चीज हम लोग ने मीनिंग में पढ़ा है वो। तो ये दो जो पॉइंट्स है वो एक्चुअली में तुम्हारे मीनिंग का ही पार्ट है कि प्लानिंग की वजह से हम लोग अपने गोल सेट कर पाते हैं और दूसरा प्लानिंग की वजह से हम लोग अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर पाते हैं। नाउ थर्ड वन इज प्लानिंग हेल्प्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज। मतलब प्लानिंग की वजह से एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस है वो ग्रो करने में हेल्प करता है। अभी कैसे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लानिंग की वजह से एम्प्लॉयज को उनका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो एकदम क्लियर हो जाता है। मतलब एम्प्लॉयज को पता चलता है कि उनको क्या काम करना है या उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां, एकदम क्लियर हो जाता है। और जब एम्प्लॉय के माइंड में सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि उनका रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और उनको पता चलता है कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है मैनेजमेंट के द्वारा, मतलब मैनेजमेंट उनसे क्या चाहता है, जब उनको पता चलता है तो डेफिनेटली उससे क्या होता है, एम्प्लॉयज का जो परफॉर्मेंस होता है वो इम्प्रूव होता है। मतलब मुझे पता है कि मेरी रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मुझे पता है कि मेरी मैनेजमेंट मुझसे क्या चाहती है, तो डेफिनेटली मेरा परफॉर्मेंस क्या होगा, इम्प्रूव होगा। मेरे दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, तो आई हैव क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन माई माइंड। और जब हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है तो डेफिनेटली उससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को हायर प्रॉफिट होता है, तो वो भी हम लोग को लिखना है। फोर्थ वन इज मिनिमाइजेशन ऑफ द रिस्क। ओके, नाउ यहाँ पे बाजू में आप लोग देख सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में वापस से मैं बात कर रहा हूँ। बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब जो एक्सटर्नल चीजें होती है, बिजनेस एनवायरनमेंट में इंटरनल चीजें भी होती है बट इंटरनल चीजों को हम लोग थोड़ा कंट्रोल कर पाते हैं, बट जो एक्सटर्नल चीजें होती है वो थोड़ी कंट्रोल के बाहर होती है, उसको हम लोग इतना कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसके अंदर तुम्हारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब तुम्हारी इकोनॉमिक पॉलिसीज हो सकती है, इकोनॉमिक कंडीशन हो सकता है, सोशल एनवायरनमेंट जिसके अंदर तुम्हारे पॉपुलेशन हो सकते हैं, उनके लाइक्स एंड डिसलाइक्स वगैरह हो सकते हैं, वो सब चीजें। लीगल एनवायरनमेंट मतलब कोई भी एक्ट वगैरह जो होते हैं, कानून वगैरह होते हैं। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज होती रहती है। सो ये बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो हमेशा चेंज होते रहता है, और बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से बिजनेस को काफी सारे रिस्क आ जाती है। जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, अगर मैं टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं कर पाऊंगा तो ये मेरे लिए रिस्क है। बिकॉज क्या होगा कि मेरा कॉम्पिटिटर वो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करेगा और वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा या कस्टमर उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और मेरे कस्टमर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे बिकॉज वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। सो जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होगा वैसे वैसे बिजनेस के लिए रिस्क जो होती है बढ़ती जाती है। और ये जो रिस्क होती है इसको हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। मतलब कि ये जो चीजें जो बदल रही है बाहर, जैसे कस्टमर की नीड्स बदल रही है या जो एक्ट वगैरह होते हैं, कानून वगैरह होता है वो चेंज होता है, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम लोग इसको टोटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसको हम लोग टोटली रिमूव नहीं कर सकते हैं। हाँ, बट उसको हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ये चेंज हो सकता है या ये सब चीजें हो सकती है, और उसको हम लोग टैकल करने की कोशिश कर सकते हैं। टैकल मतलब कि वो जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर्स। तो ये रिस्क वगैरह है उसको हम लोग कैसे एंटिसिपेट कर सकते हैं या कैसे उसके बारे में हम लोग को पता चल सकता है, तो प्लानिंग के द्वारा हम लोग को पता चल सकता है कि कौन सी रिस्क आ सकती है। जैसे कि सपोज तुम पढ़ाई के प्लानिंग कर रहे हो या तुम पढ़ाई कर रहे हो तो डेफिनेटली तुमको पता है कि अकाउंट्स में तुम्हारे मार्क्स जा सकते हैं या मैथ जैसे सब्जेक्ट में तुम्हारे मार्क्स जा सकते हैं, तो तुम लोग क्या करोगे, उस चीज के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करोगे। सो तुमने अच्छे से उसके बारे में एंटिसिपेट किया कि ये मेरे रिस्क हो सकते हैं, और वो रिस्क को अभी तुम क्या कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो बाय प्रैक्टिसिंग अकाउंट्स और बाय प्रैक्टिसिंग द मैथ्स। सो प्लानिंग की वजह से भी क्या होता है कि तुम्हें जो रिस्क आने वाली है उसके बारे में तुम पहले से ही एंटिसिपेट कर सकते हो और फिर बाद में वो रिस्क को तुम कम करने की कोशिश कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सबसे सिंपल, हम लोग को तीन रिसोर्सेज की जरूरत होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, मतलब जैसे मशीन्स हो सकती है, रॉ मटेरियल वगैरह हो सकता है। दूसरा रिसोर्स है फाइनेंशियल रिसोर्स, जिसको हम लोग कैपिटल बोल सकते हैं, या ह्यूमन रिसोर्स हो सकते हैं जिसको हम लोग एम्प्लॉयज या लेबर बोलते हैं। ये सब रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूज करना, मतलब मैक्सिमम यूज करना, इनका वेस्टेज होने नहीं देना, ये पॉसिबल होता है अगर हम लोग प्लानिंग करेंगे तो। क्योंकि प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्सेज को प्रॉपरली अरेंज करते हैं और रिसोर्सेज को हम लोग प्रॉपरली अलोकेट करते हैं, मतलब सही जगह से वो रिसोर्सेज को ऑप्ट करने का, जैसे कि मटेरियल वगैरह राइट मार्केट में से परचेस करने का, मशीन राइट मार्केट में से परचेस करने का, जितने चाहिए उतने ह्यूमन रिसोर्सेज को हम लोग को रिक्रूट करना है, जितना चाहिए उतना हम लोग को लोन देना है, तो हम लोग प्रॉपरली रिसोर्सेज को क्या करें, अरेंज कर रहे हैं।
प्लस हम लोग अब रिसोर्सेज को क्या करें, अलोकेट कर रहे हैं, मतलब सबको जितने रिसोर्सेज चाहिए जिस डिपार्टमेंट को उतना हम लोग उनको दे रहे हैं। सो हम लोग प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली प्लानिंग अगर करेंगे हम लोग रिसोर्सेज का तो उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा और उनका वेस्टेज कम हो जाएगा। सो प्लानिंग की वजह से हमारे जो रिसोर्सेज है इनको हम लोग प्रॉपर अरेंज करते हैं, प्रॉपर अलोकेट करते हैं, जिससे उनका वेस्टेज जो होता है वो कम होने में हेल्प होता है और उनका ऑप्टिमम यूज होता है। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। नाउ हर एक मैनेजर के पास क्या होते हैं, अलग अलग ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। कोई भी हम लोग को अगर चीज करनी है तो हम लोग क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास रखते हैं। जैसे कि सपोज हम लोग को 10th के बाद में तुमको स्ट्रीम अपना सिलेक्ट करना है तो यू हैव ऑल्टरनेटिव, यू कैन गो फॉर कॉमर्स, यू कैन गो फॉर आर्ट्स, या फिर कोई डिप्लोमा कोर्स तुम लोग कर सकते हो, या दूसरा कोई भी तुम लोग कोर्सेज वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। सो यू हैव ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस। वैसे ही हर एक मैनेजर के पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। वो ऑप्शंस को मैनेजर क्या करता है, उसमें क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम हो सकते हैं ऑल्टरनेटिव ऑप्शन में से, उसके बारे में मैनेजर क्या करता है, सोचता है। जैसे ए ऑप्शन अगर हम लोग लेंगे तो उसमें क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, बी ऑप्शन अगर हम लोग लेते तो उसमें क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, सपोज हम लोग को रॉ मटेरियल परचेस करना है तो रॉ मटेरियल हम लोग को अलग अलग जगह पे अवेलेबल है अलग अलग प्राइस में या अलग अलग क्वालिटी का। तो मैं देखूंगा कि अगर सपोज एक पर्टिकुलर जगह से अगर मैं रॉ मटेरियल लेता हूँ तो उसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम हो सकते हैं, मतलब उसका क्वालिटी कैसा रहेगा या उसका कॉस्ट कितना रहेगा, वो रॉ मटेरियल हम लोग को टाइम पे मिलेगा कि नहीं। दूसरे जगह पे भी मैं सेम चीजों के बारे में सोचता हूँ कि उसके क्या पॉजिटिव नेगेटिव आउटकम है। तो मैंने रॉ मटेरियल के बारे में क्या किया, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस जो थे उसके बारे में मेरा थोड़ा स्टडी किया और उसमें से फिर मैंने क्या किया, बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया। और वो बेस्ट ऑप्शन को, जैसे कि सपोज एक जगह है जैसे गुजरात में मेरे को रॉ मटेरियल बहुत अच्छे से मिल रहा है तो मैं क्या करूँगा, उसको सिलेक्ट करूंगा, बिकॉज गुजरात का जो रॉ मटेरियल है वो कॉस्ट वाइज भी मुझे अफोर्डेबल है प्लस उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो मैं क्या करूंगा, उसको अप करूंगा या उसको मैं सिलेक्ट करूंगा कि ये मेरा बेस्ट ऑप्शन है। तो मैंने क्या किया, अलग अलग ऑल्टरनेटिव अपने सामने रखे, हर एक ऑल्टरनेटिव का मैंने पॉजिटिव नेगेटिव आउटकम देखा और उसमें से बेस्ट ऑप्शन को मैंने सिलेक्ट किया और उसके हिसाब से मेरे को क्या हुआ, राइट डिसीजन लेने में हेल्प हुआ। सो प्लानिंग जो होता है वो मैनेजर को राइट डिसीजन लेने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। मतलब प्लानिंग की वजह से तुम्हारे दिमाग में नई नई आइडियाज आती है। देखो मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है कि जब तुम प्लानिंग करते हो तुम लोग अपने दिमाग पे जोर देते हो, मतलब तुम बहुत ज्यादा सोचते हो और उसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारे दिमाग में नई नई आइडियाज आती है। कभी भी ट्राई करके देखना तुम लोग ये कि किसी भी चीज को अगर तुम लोग उसके ऊपर सीरियसली अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो या सोचते हो तो तुम्हारे दिमाग में उस प्रॉब्लम को लेके या उस सिचुएशन को लेके अलग अलग सॉल्यूशन होंगे, इनोवेटिव सॉल्यूशन तुम्हारे दिमाग में आ सकते हो, प्रॉब्लम को कैसे तुम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी होता है कि प्लानिंग की वजह से तुम्हारे दिमाग में क्या होते हैं, अलग अलग आइडियाज आते हैं और फिर बाद में ये इनोवेशन से क्या होता है कि इनोवेशन की वजह से तुम नए नए आइडियाज लाते हो, नए प्रोडक्ट लाते हो जिससे तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो है वो फुलफिल होने में हेल्प होते हैं। सो वो तुम लोग को यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेट्स अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। नाउ मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन से होते हैं, तो मैनेजमेंट के फंक्शंस कैसे याद रखने के, पीओडीसी। पीओडीसी मतलब प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ऐसे तुम लोग मैनेजमेंट के फंक्शंस याद रख सकते हैं। उसमें एस भी डाल सकते हो आप लोग, जैसे प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये जो मैनेजमेंट के फंक्शंस है ये हो सकते हैं अगर तुम्हारा प्लानिंग अच्छे से होगा तो। अगर प्लानिंग तुम्हारा फ्लॉप हो गया तो ऑब्वियसली तुम्हारा ऑर्गेनाइजिंग फ्लॉप होगा, प्लानिंग अगर तुम्हारा फ्लॉप हो गया तो स्टाफिंग फ्लॉप हो जाएगा, डायरेक्टिंग फ्लॉप हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग फ्लॉप हो जाएगा, कंट्रोलिंग फ्लॉप हो जाएगा। मतलब तुम्हारा प्लानिंग जब सही तरीके से होगा तो तुम्हारे बाकी सारे फंक्शंस भी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन करेंगे। ये बाकी सारे फंक्शंस के बारे में भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सिर्फ तुम लोग को इतना ही समझना है कि प्लानिंग जो होता है उसके वजह से तुम्हारा ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग जो होता है वो स्मूथली हो जाता है। तो प्लानिंग जो होता है वो तुम्हारे दूसरे फंक्शंस को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है या हेल्प करता है। सो दीज वर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। थैंक यू, प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।